मील या दुबिया एक तीव्र गति से वृद्धि करने वाला बहुउद्देशीय वृक्ष की प्रजाति है जो कृषि वानिकी एवं वार्म वानिकी के लिए अत्यंत अनुकूल है। पर्णपाती होने के कारण इसके साथ कृषि फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। ये सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, किंतु दोमट एवं बालुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। स्थल चयन के समय ये ध्यान देना आवश्यक है कि उक्त स्थल पर जल का जमाव न हो एवं सिंचाई की व्यवस्था हो, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में रोपित पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड में स्थित उत्तर पूर्वी भारत का एकमात्र वानिकी अनुसंधान संस्थान है, जिसका मुख्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में स्थित है। ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त परिषद है। जंगलों की जो भूमि है कुल क्षेत्रफल के कम से कम 30% होना चाहिए। यद्यपि कुछ राज्य जैसे झारखंड इसके काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन अगर कुल मिला के हम लोग देखें तो इसमें लगभग 24% से ऊपर पूरे देश के रूप में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और लक्ष्य हमारा ये है कि लगभग 2030 तक हमें यह लक्ष्य हासिल करना है। इस दिशा में यदि हम कार्य करें तो जंगलों की भूमि जहाँ सिकुड़ती जा रही है, वहीं पर ग्रीन कवर को बढ़ाना आवश्यक भी हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक आवश्यकता है कृषि वानिकी को बढ़ावा की। जितना हम लोग कृषि वानिकी को बढ़ावा देंगे, जितने अधिक से अधिक जो वनों की भूमि नहीं है वहाँ पर अगर हम लोग वृक्षों को लगाएंगे तो तभी हम लोग ग्रीन कवर को बढ़ा पाएंगे, और यह संभव है कृषि वानिकी के द्वारा ही। बिहार और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में मीलिया डुबिया वृक्ष प्रजाति हमारे संस्थान के अनुसंधानों के आधार पर सफल रही है। यह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कृषि वानिकी के रूप में कार्य में लाई जा सकती है। मीलिया का प्रवर्धन बीजों के द्वारा या कलम लगाकर किया जाता है एवं जून जुलाई के महीने में रोपण किया जाता है। इसके बीज को नवंबर दिसंबर महीने में एकत्र कर सुखा कर रखना चाहिए एवं नर्सरी बेड में लगाने के पूर्व गाय के गोबर के घोल से एक सप्ताह तक उपचारित करना चाहिए, जिससे बीजों से अच्छी अंकुरण प्राप्त हो। जब पौध 2 से 3 पत्ती की अवस्था का हो तब उसे पॉली पैकेट्स में स्थानांतरित कर नर्सरी में रखनी चाहिए। जब पौध 1.5 से 2 फीट की हो जाए तब उसे रोपण क्षेत्र में लगा देना चाहिए। इसके रोपण के लिए 2 फीट × 2 फीट आकार का गड्ढा उपयुक्त होता है। गड्ढे में पौध रोपण पूर्व केचुआ खाद, नीम खली, दीमक नाशी डालकर अच्छे से मिट्टी में मिलाकर 10 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मीलिया के पौधों को लगाना चाहिए। पौधा लगाने के पश्चात पौधों की सिंचाई अच्छे से करनी चाहिए। ICFRE देहरादून द्वारा वित्त पोषित परियोजना मीलिया दुबिया के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट परियोजना अंतर्गत हम लोगों ने 2013 से काम कर रहे हैं, और उसमें कई सारे इम्प्रूव्ड लाइंस को डेवलप करने में सफलता पाई है। इन डेवलप लाइंस को बिहार और झारखंड के 9 विभिन्न जगहों पर लगाकर परीक्षण किया जा रहा है तथा इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक पाए गए हैं। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने मीलिया दुबिया बेस्ट एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल्स को डेवलप किया है, जिसमें सबसिस्टेंस एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल डेवलप किया है जो छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने झारखंड के लिए मीलिया बेस्ट सिल्वो हॉर्टिकल्चर मॉडल डेवलप किया है। कुटाम एक गाँव है जो कि खूंटी जिले में अवस्थित है। ये जमीन पहले से पूरी तरह से बंजर थी, इस जमीन को हम लोगों ने परिवर्तित कर और इसमें सफलतापूर्वक मीलिया दुबिया के साथ पपीता और सहजन के पौधों को उगाने का काम किया है। इसके अलावा हम लोग गढ़वा, चंदवा, महेशपुर रांची जिला में, भोंडा गांव रांची जिला में एवं बिहार के विभिन्न जगहों जैसे कि बेगूसराय, नाथपुर, अररिया और हाजीपुर में इस पौधे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये खेत आज से करीब 2 वर्ष पहले पूरी तरह से बैरन था, इसमें कुछ भी नहीं उगती थी और इसकी मिट्टी भी काफ़ी पथरीली थी।
फिर इसके बाद हम लोगों ने मिलिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसके इस खेत में मिलिया दुबिया के पेड़ को इंट्रोड्यूस किया, जिसको लगाने के लिए श्री दोड्राई जी ने अपनी सहमति दी और ये काफ़ी रुचि दिखाते हुए इस खेत में मिलिया दुबिया के पेड़ को लगाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद वर्ष 2020 में हम लोगों ने जुलाई अगस्त महीने में इस पेड़ को इस खेत में लगाया था और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि खेत कितना हरा भरा हो गया। जब हम इस रोड से गुजरते थे तो रोड के दोनों तरफ हरियाली की काफ़ी कमी थी और बिल्कुल हरियाली नहीं दिखती थी, इनको इस खेत से कुछ आमदनी भी नहीं होती थी। इन सब को देखते हुए हमने इनके सहयोग से इस खेत में मिलिया दुबिया के पेड़ को लगाए हम लोग जुलाई अगस्त 2020 में और आज ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें हम लोगों ने कई तरह के एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल्स को भी विकसित करने का प्रयास किया है। दोड्राई जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा बताइए आपका अनुभव क्या है इस पौधे से और आपके एक्सपेक्टेशन आपकी चाहत क्या है कि क्या क्या सोचते हैं इस पौधे से आप कि आपको आमदनी होगी। पहले तो हम लोग को ऐसा नहीं था कि हम लोग को ये ज़मीन पर रोपने से हम लोग को लाभदायक मिलेगा, ये हम लोग नहीं सोच पाए थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं पेड़ को कि हम लोग के अपना इसी से रोजी रोटी चलेगा और हम लोग को आमदनी मिलेगा। अभी इसमें जो ये लगा हुआ है इसमें पपीता ला का खेती भी इसमें कर सकते हैं और पर इसमें फिर से और टमाटर सब और अदरक सब इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पानी का व्यवस्था भी कुआँ अभी यहाँ खोदाया गया है उससे ला के इसमें खेती कर सकते हैं और ये अगल बगल गांव वाला सब अब पूरा जानकारी हो गया है और वो सब भी देखेंगे। पहले आपका देख लेंगे उसके बाद में हम लोग भी लगाने का प्रयास करेंगे ऐसा बोलता है। और डोडराई जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इनके अड़ोसी पड़ोसी जो भी खेत वाले हैं उनको भी ये कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी मिलिया दुबिया का पेड़ अपने खेत में लगाएं और इसके आधारित कृषि वानिकी को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। ये पौधा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता है एवं सबसे बड़ी खासियत है कि नवंबर दिसंबर में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं एवं पुनः मार्च के अंत में या अप्रैल में इसके पत्ते आते हैं। तो इस पर्णविहीन स्थिति में हम लोग इसके अंदर आसानी से पौधों को अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद गर्मियों में भी हम लोग इसमें आसानी से अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जो कि कम लाइट डिमांडर होते हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक, ओल या विभिन्न प्रकार के घास प्रजाति जो हैं उनको हम लोग इसके अंतर्गत ग्रो कर सकते हैं। मिलिया दुबिया चूँकि काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती है तो इसको हम लोग 6 से 7 साल में काट कर और प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री में बेच सकते हैं। 10 से 12 साल के पश्चात इससे हल्की फर्नीचर भी बनाई जा सकती है एवं आजकल इसको प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री द्वारा फेस वीनियर बनाने में उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी ही लाभदायक है और किसान इसको लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी बात ये है मिलिया दुबिया की सबसे बड़ी खासियत कि इसकी लकड़ी में घुन नहीं लगती है, ये हल्की प्रवृत्ति की होती है एवं इसमें दीमक का प्रकोप नहीं होता है, जिससे कि इससे बनाए गए फर्नीचर को की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। कृषि वानिकी के लिए मिलिया एक महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसे लगाकर किसान अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं तथा अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं।